मैंने कुछ बातें लिखी हैं उस इंसान की तरफ से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ये बातें उस इंसान की तरफ से अपनी विधवा पत्नी के लिए। सुनो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे मालूम है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर मेरे बिना दिल लगा लो ना। मुझे मालूम है मुश्किल है, मगर मेरे बिना दिल लगा लो ना। और मेरी एक हसरत है, पूरी करोगी कि मेरी कब्र पर आकर कभी तो मुस्कुरा लो ना। मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें बता नहीं सकता। और मैंने पूछे हैं खुदा से, खुदा के मंसूबे तुम्हारे लिए, वो बोला कि वो मसर्रत अब देर तलक तुमसे छुपा नहीं सकता। यकीन मानो, हम साथ बैठ कर लिख रहे हैं एक नई सुबह तुम्हारे लिए। मैं अपनी जान इस जहान में लेकर आया ही नहीं हूं, मैं अपनी जान इस जहान में लेकर आया ही नहीं हूं। अरे तुम भूल तो नहीं गई, तुम जान हो मेरी, तो ख्याल रखो मेरी जान, मेरी जान का। तुम मिट्टी के इस तरफ भी पहचान हो मेरी। और मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक तमन्ना है कि मेरी कब्र पर रखा फूल अपनी जुल्फों में लगाओ, संवर लो तुम। हाँ, तुम्हें अब भी हक है, उतना ही हक है कि इन फूलों का रंग अपनी सफेद साड़ी में भर लो तुम। ये सुर्ख लाली आंखों की उतारो, जो आंखें रो रो कर लाल पड़ गई, कि ये सुर्ख लाली आंखों की उतारो, फिर रुखसार पर सजाओ इसे। ये बिंदी तन्हा तन्हा है, अपने माथे पर जरा बिठाओ इसे। और कली के जैसे लब तुम्हारे बंद पड़े हैं, कली के जैसे लब तुम्हारे बंद पड़े हैं, वक्त है अब खिलने का, ये बताओ इसे। बेकसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी? बेकस मतलब अकेला, कि बेकसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी? यूं किसी और से मिलना भी सिखाओ इसे। मैं तेरे पायल की झनकार सुनना चाहता हूं, मैं तेरी पायल की झनकार सुनना चाहता हूँ। मेरे सीने पर टूटी तेरी चूड़ियाँ चीखती बहुत हैं, बहुत हो गया बस, अब मैं तेरे कंगन की खनकार सुनना चाहता हूँ। अब ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिंदगी आखिर हम सबकी मेहमान ही तो होती है, जिंदगी आखिर हम सब की मेहमान ही तो होती है। मगर वो जो इतनी नफरतों के बाद भी, इतनी खामियों के साथ भी, इतनी गलतियों के बाद भी हमें कबूल करती है, देखो वो मौत भी रहमान ही तो होती है। सुनो, अगर तुम अब भी महसूस करती हो मुझे, तो सुनो, अपनी मेहमान से इस कदर रूठी मत रहो। अरे जिंदगी तरस गई है, उससे बात करो, खुदा के वास्ते तुम मौत से पहले मत मरो। अच्छा ऐसा करो कि जहां मैं दफन हूं ना, वहां बागीचा बना लो, जहां मैं दफन हूं वहां बागीचा बना लो, फिर मेरी कब्र में खुशबू होगी मगर फूलों को टूटना नहीं पड़ेगा। तू आती रहा करना, तुझे भी रंगों से छूटना नहीं पड़ेगा। तू खोल कर देख कभी घर अपना भी, तुझे सुकून यूं रो रो कर मेरी कब्र से लूटना नहीं पड़ेगा। तू नूर है, बेकसूर है, आसमान की तरफ देख तो सही एक दफा, तुझे पंखों से अपने रूठना नहीं पड़ेगा। और ये आखिरी कुछ पंक्तियों में ना बातें तो अभी भी वो मरा हुआ इंसान उसी से कह रहा है, उसी से कह रहा है, मगर इन पंक्तियों में एक सवाल है जो कि उस इंसान से नहीं है। ये सवाल समाज की सोच से है कि क्यों
क्यों सादा श्वेत लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला? आखिर क्यों सादा श्वेत लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला? तू मरती तो अपनी खुद की अर्थी पर भी लाल जोड़े में होती, तू जलती जलती खाक जोड़े में होती, तू मरती तो अपनी खुद की अर्थी पर भी लाल जोड़े में होती, तू जलती जलती खाक जोड़े में होती, तू मरती तो जोड़ा पहले राख होता, तू राख जोड़े में होती, अरे तू मरती तो अच्छा होता, मर ही जाती मगर तेरी रूह भी जिस्म से आजाद जोड़े में होती, क्योंकि ये जीते जागते कफन लपेट कर घूमने का तुक मुझे समझ में नहीं आता, ये जीते जागते कफन बदन पर लपेट कर घूमने का तुक मुझे समझ में नहीं आता। अरे तू जिंदा है तो जी, तू जिंदा है तो जी, इससे ज्यादा कुछ क्या कहूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता, तू जिंदा है तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।